भागलपुर के इसाकचक थाने के वार्ड नंबर 48 के शिवपुरी कॉलोनी मोहल्ले में देर रात्रि करीब 10:30 बजे उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक घर में आग लग गई। आग लगने की सूचना के बाद आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, जिसके बाद 112 पर कॉल किया गया और उसके बाद 112 और इसाकचक थाने की गाड़ी मौके पर पहुंची, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ी मौके पर पहुंची और 1.5 घंटे के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार आग रिटायर्ड RPF कर्मचारी जयप्रकाश चौधरी के मकान में लगी थी। आग रात्रि करीब 10:30 बजे लगी। सूचना मिलते ही आनन-फानन में 112 पर कॉल करके सूचना दी गई। साथ ही आसपास के लोग अपने अपने टंकी से पाइप जोड़कर आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद करीब 20 मिनट के बाद 112 और इसाकचक थाने की गाड़ी मौके पर पहुंची और उसके बाद फायर ब्रिगेड की 3 छोटी गाड़ी लगभग 11:15 पर मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई और लगभग 1.5 घंटे के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना के बारे में चश्मदीद ने बताया कि लगभग 10:30 बजे के आसपास सब लोग सो रहे थे, वो बाथरूम जाने के लिए निकले तो उसने देखा कि मकान के छत पर जो सीढ़ी घर होता है उस पर उसे आग की लपटें दिखाई दी, जिसके बाद आनन-फानन में उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और एक एक कर सभी लोग जल्द ही मकान से बाहर आ गए। हालांकि आग लगने के कारण के बारे में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है, पर ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ठंड के कारण अलाव जलाया गया था, जिसकी चिंगारी से आग लगने की घटना घटित हुई है। बताया जा रहा है मकान जयप्रकाश चौधरी का है, जो मकान में नहीं रहते, पूरा मकान किराए पर दिया गया है। हालांकि जयप्रकाश चौधरी के दामाद मकान के निचले तल पर रहते हैं। उन्होंने बताया कि वो सो रहे थे जब ऊपर अफरा तफरी मची, तब उन्हें जानकारी हुई कि छत के ऊपरी हिस्से में आग लग गई है, जिसके बाद वो सभी भाग कर निकले। हालांकि इस अगली घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन लगभग 1 लाख के आसपास की क्षति बताई जा रही है। घटना क्या, हम बाथरूम उठे हुए थे तो पता चला कि देखे कि कुछ गेट के पास आवाज आया, लगा कि साइकिल उकिल कुछ गिरा है, बच्चा लोग साइकिल चलाता था। उसके बाद फिर बाथरूम से लौटे हम, फिर एक आवाज़ हुआ, आवाज़ आया तो हम फिर सोचे कि देखते हैं क्या है, तो बाहर देखते हैं पूरा जहाँ पे पूरा घर का जो सामान रखा जाता है उसमें आग पकड़ा हुआ था। फिर हम लोग सबको बुलाए मोहल्ला वाले को, फिर सब मोहल्ले वाले हम तो आग बचाने के चक्कर में ऊपर चढ़े, लेकिन जब गिरने लगा तो हम फिर नीचे आ गए। उसके बाद फिर हम नीचे गए, मोहल्ला वाले को आवाज़ दिए, फिर मोहल्ला वाले लोग आया, सब सबको ऑपरेट किए, फिर जा करके आग को बुताने में फिर 112 आया, फिर जाके कंप्लीट हुआ जाके। लगभग कितना बजे आग लगा और कितना देर लगा कंट्रोल होने में? टाइम एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन अप्रॉक्स हमको लगता है कि 10 बजे के आसपास ऐसा घटना घटा है, और 10 बजे से लगभग हमको लगता है कि अभी तक कार्यक्रम चल ही रहा है। आप देख ही रहे हैं, टाइम देख लीजिए, अभी तो मेरे पास घड़ी भी नहीं है जो हम बता सके, जिसमें कि हम लोग जैसे खाना खा के सोएं, उसके बाद 10 मिनट के बाद बोलते हैं ऊपर के रेंटर अजीत, वो बोलते हैं कि आपके घर में आग लग गया। जैसे हम लोग भी दौड़े और अगल बगल के रेंटर भी था हम लोग का, सब आए मिल के सब आग बुझाने की कोशिश किए, बहुत उसके बाद फिर दो दमकल आए, उसके उसी के सबसे हुआ। क्या लग रहा है, कैसे लगा होगा? अब तो हम तो नहीं जानते, अब पता करेंगे रेंटर से कैसे, वही बताया गया हमको कि आग लगा है, अब रेंटर ही बताएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ अभी तक, था बहुत सामान था, घर का ही सामान था, जो भी था, दरवाज़ा एक न्यू था, दरवाज़ा था और सब ड्राम था, गेहूँ का चावल रखने वाला और सब सामान था, वो भी सब जल के क्या रेंटर लोग रहते हैं क्या? नहीं, उसमें कोई नहीं रहते, उसमें ऐसे कोटी को जैसे बना था सामान रखने के लिए, वही सामान रखने के लिए था वो। आप पे कैसे काबू पाया गया, कितना देर लगा? कम से कम 1 से 2 घंटा लग गया। पहले लोग क्या बुझाए, बस्ती के लोग तक? हाँ, पहले अगल बगल के लोग आए, उसके बाद फिर आए दमकल वाले, तो उसके बाद उसी के हिसाब से।